चलिए आज एक और नए स्टूडेंट से मिलते हैं, अमन पांडे, जिनका ऑल इंडिया 432 रैंक है और इनको एनआईटी कुरुक्षेत्र मिला है, और अमन पांडे दिल्ली से हैं। तो अमन, सबसे पहले आपको इस रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ, अमन के बारे में बताना चाहूंगा कि अमन ने दिल्ली में ऑनलाइन रह के पढ़ाई की और अमन ने ड्रॉप लिया था। अमन, आपने क्योंकि लास्ट ईयर भी एग्जाम दिया था, फिर आपने ड्रॉप लिया और उस साल आपने प्रिपरेशन की, इतनी अच्छी रैंक आई, तो आपकी जो सक्सेस जर्नी थी वो क्या थी, वो मैं चाहूंगा आप बताएं। और दूसरा ये कि आपने कब सोचा, फिर किस तरह से आपकी लाइफ में ये चेंजेस आए, कैसे आपने प्रिपरेशन की, मैं चाहूंगा इसको आप डिटेल में बताएं। मैं जब बीसीए थर्ड ईयर में था, तो बीसीए का कंपटीशन बीसीए एमसीए का कंपटीशन इंजीनियरिंग के साथ होता है, बट हमें उतनी कंपनियां आती नहीं है हमारे लिए, या हमें उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। मैंने इंटरव्यू दिया, कुछ जो एक आध कंपनी ढंग की लगती है कि हाँ यहाँ इंटरव्यू दे के देखते हैं, क्या पता बाय चांस हमें मौका मिल जाए, बट जब मेरा नहीं हुआ तो मैं काफी हताश हो गया। थर्ड ईयर के एंडिंग तक की बात है, सो हमारे वहाँ पे इतनी अवेयरनेस थी नहीं मेरे कॉलेज में एमसीए को लेके, सो मैंने सोचा था कि बस प्लेसमेंट मिल जाए किस तरह बीसीए में, बट वो जब नहीं मिली तो मैं काफी हताश हो गया। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि इतना डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, लाइफ में ये नहीं मिला तो इससे कुछ बढ़िया मिल जाएगा, तुझे एनआईटी मिल जाएगा क्या पता। उसने एक्चुअली उस टाइम जोक में बोला, बट वो बात मेरे दिमाग में लग गई, खटक सी गई। जब बीसीए की डिग्री कंप्लीट हुई तो मैं वो सोचने लगा कि मे बी शायद मुझे ट्राई करना चाहिए, और फिर मैंने ट्राई करने की कोशिश करी, बट इतना कंटेंट कहाँ से लूँ, रिसोर्स कहाँ से लूँ, गाइडेंस कहाँ से लूँ। 10 जगह से लेने के बाद मैंने अपना पहला निमसेट का एग्जाम दिया, जो कि मैंने बिल्कुल ही एकदम कबाड़ा कर दिया मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं काफी कंफ्यूज था। और इस साल का जो मैंने निमसेट का एग्जाम दिया, इससे वो ईजी था, स्टिल मैंने अच्छे से नहीं दिया, क्योंकि मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी थी, ना मैंने कभी मॉक टेस्ट दिए थे, ना मेरे कॉन्सेप्ट्स उतने क्लियर थे, मैं पैनिक बहुत जल्दी कर गया, एक क्वेश्चन में 20 मिनट लगा दिए, किसी क्वेश्चन में 15 मिनट लगा दिए। सो काफी पैनिक होने की वजह से काफी कुछ जो कॉन्सेप्ट आते थे वो भी मेरे छूट गए, उनके भी क्वेश्चंस में नहीं कर पाया। सो ऐसा जब हो गया मेरे साथ, देन मैंने आपके जो वीडियोस देखे थे यूट्यूब से, मैंने उनसे थोड़ा बहुत जो पढ़ा था, तो मुझे लगा कि सर को ज्वाइन करना चाहिए और विदाउट एनी डाउट ज्वाइन करना चाहिए, और उसके बाद ज्वाइन करने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, आगे ही देखना चाहिए। और जब मैंने ज्वाइन किया, और ऐसा होता है कि जब आप ज्वाइन करते हो तो स्टार्टिंग में आपके अंदर बहुत मोटिवेशन होता है कि हम तो ये करेंगे, हम तो ऐसे करेंगे, बट विद टाइम वो कम होता जाता है ऐसा लगता है। तो जब जब मुझे ऐसा लगा कि कम हो रहा है, तो मैंने अपने आप को रिमाइंड करा कि क्यों कर रहा हूँ, और सर भी हमें रिमाइंड करते रहते हैं कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्यों करना चाहिए, इतना मत सोचो, ओवर थिंकिंग के चक्कर मत पड़ो। तो सर मैं ऐसे ही आगे बढ़ता गया, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस मिलते थे, तो ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बहुत एडवांस पढ़ा था, मेरे बेसिक्स ही क्वेश्चन जो मैंने थे, मैंने उनको 10-10 बारी कराए, और वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गए, और मैंने आंख बंद करके टिक लगा दिया, और उसी का मुझे बेनिफिट मिल गया इस एग्जाम में कि मेरी रैंक आ गई और मुझे कॉलेज मिल गया। तो अमन, एक चीज बताइए, अक्सर ऐसा होता है, जैसे आपने कहा कि आपने 2020 में भी एग्जाम दिया था, तो sir. क्या होता है कि ये इंटरव्यू बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इस इंटरव्यू को जब बच्चे देखते हैं तो अपनी लाइफ की मिस्टेक्स को भी कैलकुलेट कर पाते हैं, आगे क्या करना है वो भी समझ पाते हैं। तो जब आपने 2020 का एग्जाम दिया था, उस समय आपका थॉट प्रोसेस क्या था, कितनी प्रिपरेशन की थी, किस तरह से की थी, वो जरूर बताइए, क्योंकि जब बच्चे ड्रॉप लेते हैं तो वो डरते हैं, या कई बार हमें हमारी कमियां कोई बताता ही नहीं है, बहुत कम लोग होते हैं जो ये बात एक्सेप्ट भी करते हैं कि मेरी ये कमियां थी और इनको दूर करते हुए मैं आगे बढ़ा, तो आपको क्या लगता है? वेल, जो ड्रॉप ईयर वाले बच्चे हैं, अगर वो इस वीडियो को देखेंगे तो मैं उनको यही बात बताऊंगा कि एक्चुअली मैंने एक भी नहीं, मैंने 2 साल का ड्रॉप लिया। पहले तो जब 12th के बाद मेरा 1 साल का ड्रॉप था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, वहां नहीं हुआ, देन मैं बीसीए में गया। ओके, देन उसके बाद बीसीए के बाद मैंने 1 साल और ड्रॉप लिया एमसीए के लिए, तो मेरा 2 साल का ड्रॉप था, और मैंने बेझिझक होकर ड्रॉप लिया, क्योंकि अगर आप अपने थॉट प्रोसेस को लेके क्लियर हो एक बारी, क्योंकि आपको डाउट करने वाले तो ऑलरेडी बहुत लोग हैं, आप भी डाउट करोगे तो फिर मेहनत कौन करेगा। सो मैंने इतना सोचा नहीं सेकंड टाइम जब मैंने ड्रॉप लिया, तो फर्स्ट टाइम जब मैंने पहले लिया था तब मैंने काफी सोचा था, बट इस बारी मैंने उतना सोचा नहीं, मुझे लगा कि काफी अच्छी गाइडेंस मिल रही है, रिसोर्स मिल रहा है, मुझे बस मेहनत करनी है, और मेहनत करने के लिए भी मुझे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, मुझे बस उनको करते जाना है, तो मैं सुबह बैठूंगा तो मैं उतना ही टाइम जितना सर ने बोला उतना दूंगा, सो नथिंग विल गो रॉन्ग। सो मैं पढ़ता जाता हूँ, और मोटिवेशन की सर की क्लास में कभी कोई कमी होती नहीं है, जब भी सर को लगता है थोड़े डाउन हो रहे हैं हम लोग, सर हमें बता देते हैं कि हाँ, और तुम ऐसे अगर करोगे तो फिर तुम्हें आगे क्या मिल सकता है, ऐसे सोचना चाहिए, थिंकिंग ऐसी रखनी चाहिए, थिंक लाइक विनर्स
अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे तो मैं उन बच्चों में से हूं, मैं बता दूं, जो बच्चे सोचते हैं ना कि यार मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं जब भी कुछ ढंग का करने जाता हूँ मेरे साथ खराब हो जाता है, मैं उन बच्चों में से हूँ। और मैं यही यही थिंकिंग मेरी रहती थी, बट मेरी थिंकिंग ये लास्ट विदिन अ ईयर, मैंने जब से कोचिंग ज्वाइन करी, धीरे धीरे करके मेरा थोड़ा माइंडसेट चेंज हुआ कि नहीं ऐसा नहीं है, डाउट थोड़ा दिमाग से निकालते हैं और कॉन्फिडेंस को माइंड में लाते हैं। मेरा रीजन फर्स्ट ऑफ ऑल निम से ट्रैक करना था ही, बट इसको क्रैक करने का सबसे बड़ा जो रीजन था वो ये था कि आई नीड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मिलता है आपको लाइफ में, जब आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपको धीरे धीरे अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है दैट यस आई कैन डू समथिंग इन माई लाइफ। अगर आपसे निम सेट, मतलब आप निम सेट को उतना बड़ा इशू नहीं बनाते, आप फिर अपने कॉन्फिडेंस पे ध्यान देते हो यार ये भी कर सकता हूँ मैं, ये भी कर सकता हूँ, इतना सोचने वाली बात नहीं है, आई कैन डू दिस, ये भी हो सकता है। सो अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि कितने साल का ड्रॉप हो गया है, ये सोचिए कि ये वाला ड्रॉप को मैं सक्सेसफुल कैसे बनाऊं। आपको अपने डिसीजन सही बनाने पड़ते हैं। मैंने 2 बार ड्रॉप लिया, एक बारी मैंने डिसीजन खराब कर दिया ड्रॉप लेने का, लेकिन एक बारी मैंने कोई चूक नहीं करी। मतलब थोड़ी बहुत मिस्टेक्स तो हर किसी से होती हैं, बट मैं आगे बढ़ता गया, ऐसा नहीं कि बीच में रुक गए, चलो अब नहीं हो रहा तो रुक जाते हैं, बस यही कहना। बहुत अच्छी बात बोली अमन। एक तो आपने बहुत अच्छी बात ये बोली कि अगर हम अपने पे ही डाउट करेंगे तो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, दुनिया डाउट तो वैसे ही करती है। यस तो सर, आपने ये बहुत कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी लाइफ को बदल देती हैं। आपने उस बात के लिए देर नहीं की, कंप्रोमाइज नहीं किया। आप सोचिए, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, क्लास में सुनी होगी, जो होता अच्छे के लिए होता और पता बाद में चलता। अच्छा हुआ कि आपको बीसीए के बाद जॉब नहीं लगा, अगर वो जॉब लग जाता तो जॉब तो लग जाता करते भी, पर लेकिन फिर शायद यहाँ आगे नहीं। जाके जब ग्रोथ नहीं होती तो जरूर अफसोस होता। और आपके दोस्त ने भले ही मजाक में बोला, पर देखो उस चीज ने आपकी इंटायर लाइफ को चेंज कर दिया। और यस आपने सर, देर नहीं करी ड्रॉप लेने में, पहले ड्रॉप के बाद भी। अब वो कई बार होता है आईआईटी में, क्या होता है, 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिर हमने कई बार पीछे से उतना पढ़ा नहीं होता या कई सारी अलग अलग चीजें होती हैं। पर कम से कम मुझे आपसे बात करके एक अच्छी चीज लगी कि आपको एक तो क्लियरिटी हो गई थी, दूसरा जो आपने एक बात बोली कि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए था, वो बहुत जरूरी होता है। ये एक रैंक और ये एक जो कॉलेज है ना, आपकी इंटायर लाइफ चेंज कर देगा। आप चाहे कहीं से भी करो, पर अब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कर सकता हूं। तो वो फेल्यूर वाली फीलिंग को खत्म करने के लिए भी हमें लाइफ में कम से कम एक बार अपने आप को 100% मौका देना चाहिए, जो आपने दिया। तो अमन, बहुत मजा आया आपसे बात करके, काफी अच्छा लगा। और कुछ आप मैसेज देना चाहोगे तो, क्योंकि आपके मैसेज से कई बच्चे जो कि टेंशन लेते हैं या जो डिसीजन लेने में देर करते हैं, वो जरूर सोच पाएंगे। मैं यही कहूंगा कि आप अकेले अकेले पढ़े पढ़े अपने आप को बहुत टाइम फेलियर समझ चुके हैं, अब टाइम आ गया है कुछ करने का, खुद को प्रूव करने का। डाउट निकालिए माइंड से, कॉन्फिडेंस को अंदर करिए और डाउट को बाहर करिए और लग जाइए मेहनत में, एक ना एक बिल्कुल, दिन सब सही होगा। वेरी गुड अमन, बहुत अच्छी बात बोली आपने। चलिए, वंस अगेंस्ट ऑल द बेस्ट, आप ऐसे ही आगे बढ़िए और अच्छा परफॉर्म करिए एनआईटी में भी जाके। कॉन्ग्रेचुलेशंस वन अगेन। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।